पूर्णांकों में जमा घटा के नियम सीखते हैं एक एक्टिविटी के द्वारा। मान लीजिए ये प्लस है बेटा ब्लू और रेड हमारा माइनस साइन है। अब देखिए इस बॉक्स में भी मेरे पास तीन ब्लू प्लस के हैं, यानी कि इसको लिख लेते हैं थ्री प्लस और यहाँ पे कितने हैं फोर प्लस। अब जब आप सबको टोटल करोगे तो आपके पास कितने हो गए प्लस के सेवन। यहाँ देखिए प्लस टू माइनस थ्री, तो अब इसको जब हम ऐड करेंगे इसके साथ दो ये कट गए, क्या बचा मेरे पास माइनस वन। यहाँ माइनस फोर प्लस फाइव, अगेन आप जब इनको ऐड करोगे चार कट जाएंगे यहाँ से, क्या बचा आपके पास प्लस वन। इस साइड एक बच गया है ना प्लस में, यहाँ देखिए माइनस थ्री माइनस फोर। तो जब सबको ऐड किया कोई किसी से कटा नहीं, सारा ऐड होके माइनस सेवन। तो रूल क्या बना हमारे पास, अगर सेम प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा आंसर में और प्लस ही करेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ही करा आपने और आंसर में भी माइनस साइन। लेकिन अगर अलग अलग है तो जिसके पास ज़्यादा चीज़ें होंगी उसी का टर्म का साइन आप आंसर में भी लगाएंगे।